देश का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस ओटीटी 2 के दूसरे सीजन का आगाज हो चुका है। इस शो में एक से बढ़कर एक सितारे आए हैं। पूजा भट्ट से लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने स्टार अविनाश सचदेवा जैसे सितारे बिग बॉस के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सीजन के पहले एपिसोड से ही घर में हंगामा शुरू हो गया है। हेलो, आई एम पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बिग बॉस ओटीटी 2 में ऑडियंस को एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलना शुरू हो गया है। इस शो में एक एक्स कपल भी दिखाई दिए हैं, जिनकी वजह से घर का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। दरअसल अविनाश सचदेव और पलक पुरसवानी एक ही साथ एक ही छत के नीचे ब्रेकअप के बाद पहली बार आए हैं। अब ऐसे में जब पुराना प्यार ब्रेकअप के बाद सामने आ जाता है तो धमाल तो मचेगा ही। शो में अविनाश की नजदीकी जिया शंकर से बढ़ रही है। अविनाश सबसे ज्यादा जिया से ही घर में बात करती है, लेकिन जिया और अविनाश की दोस्ती पलक को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। पलक जिया और अविनाश की चुगली आकांक्षा पूरी से करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि अविनाश को एक वक्त पर जिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज तो उसी से बात कर रहा है। पलक की ये बातें सुनकर साफ समझ आ रहा है कि उन्हें जिया से जलन हो रही है। पलक कहते हैं कि जब हम साथ थे तो इस लड़के को ये लड़की कभी पसंद नहीं आई। वो 4 साल से मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो हमेशा मुझसे कहा करता था, मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसकी वाइफ्स अच्छी नहीं लगती, और अब वो उसके साथ ही बैठा है। लोग ऐसे ही पलटते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे ये सिचुएशन पसंद है? मुझे खुशी है कि मैं उसका सामना कर रही हूँ। अब ऐसे में लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिग बॉस के घर में 2 बिछड़े हुए प्रेमी करीब आएंगे या उनके रिश्ते बद से बदतर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया।